प्रभाव किस तरह से हमारे शारीरिक स्वस्थ जीवन पर हमला करते हुए कई लोगों को असामयिक रूप से हमारे बीच से ले जा रहा है। इटली की हालत जैसी हुई है, चीन के बाद में सबसे अधिक लोग हमारे बीच से वहाँ गए हैं, और ये जो क्रम है उसकी रोकथाम करने के लिए बहुत कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इस दिशा में भारत की तरफ से रविवार को तो जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था, उस समय भी ये अनुमान था कि आने वाले समय में कुछ कड़े फैसले सरकार ले सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि 21 दिन के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है, समय की मांग भी है, पर किस तरह से इन परिस्थितियों के चलते आम जीवन प्रभावित हो रहा है। और आम जीवन में अगर हम बहुत संक्षेप में बात करें तो तन मन और धन की बात आती है, तो हम तन के जो स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्या क्या रोकथाम करने की दृष्टि से उपाय करने चाहिए, उसमें बहुत बातचीत शुरू करने से पहले मैं भी दोहरा देना चाहता हूँ कि हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोने के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो पांच मुख्य बातें कही हैं उसमें ये प्रथम बात है। और अपने फेस को टच नहीं करें और लोगों के साथ में डिस्टेंस बनाए रखें, 6 फीट की दूरी बनाए रखने की बात कही गई है। और फेस नहीं टच करने के साथ साथ जब भी बाहर जाएं तो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुआ रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट्स ने राय अपनी दी है उसके आधार पर भारत सरकार पूरी तरह से समर्पित है राज्य सरकारों के साथ मिलकर कि सबकी सुरक्षा हो सके। कुछ इसी तरह की बात अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क पर भी विशेष रूप से प्रभाव है। गंभीरता अगर हम चिंतन करें, चिंता की तरफ जाएं, तो बढ़ती चली जाती है। उससे बचें तो मन की तरफ जाते हैं। मन से ये है कि जो सामने है उसमें अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में दो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी फोन के द्वारा बीच बीच में जुड़ सकेंगे। मेरे साथ स्काइप पर जो है हमारे मित्र पोएट भी हैं और एक कम्युनिटी लीडर के रूप में भी हम इनको जानते हैं, अनूप भार्गव जी। अनूप जी, स्वागत है आपका, नमस्ते। अशोक जी जी आप कुछ बोलें पहले तो अभिवादन में, ताकि पता लगे आपकी आवाज आ रही धन्यवाद है। अशोक जी और सभी आईटीवी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और आपके साथ ही शाम बिताएंगे, अशोक जी सवाल पूछेंगे और मैं अपने विचार रखूंगा। बिल्कुल, और हम दोनों के साथ में फोन पर जुड़ रहे हैं घर से, शास्त्री जगदीश त्रिपाठी। शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है, नमस्ते। नमस्कार व्यास जी, नमस्कार अनूप जी। अनु जी, बात आपसे शुरू करते हैं। हम आंकड़ों की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रशासनिक कार्यवाही की तरफ नहीं जाएंगे। आप एक कवि रूप में भी हैं और हम सभी एक स्तर पर मन हमारा कहाँ जाता है उसको लेकर अपने अनुभव का संसार बनता बिगड़ता देखते हैं, तो आपकी दृष्टि में एक साहित्य प्रेमी होने के नाते इन दिनों मन को संतुलित, व्यवस्थित और अपने आप को प्रफुल्लित बनाए रखने के क्या उपाय आप सोचते हैं, आपके पास हैं? अशोक जी, बहुत कठिन घड़ी है। मैं शब्दों को ज्यादा मीठा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। एक सत्य है कि एक बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन सारा रुक जाएगा। हमें मुस्कुराते रहना है, हमें जीवन को अपने स्वाभाविक रूप में जीना है जितना भी संभव हो। और ये एक हमारी परीक्षा की घड़ी इस तरह से भी है कि ये संपूर्ण मानवता की परीक्षा की घड़ी है। तो हमें न केवल अपना ध्यान रखना है बल्कि उनका भी ध्यान रखना है जो कि स्वयं अपना ध्यान रखने में सक्षम नहीं है। तो इसी बात के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि न केवल अपना ध्यान रखें बल्कि उन लोगों का भी ध्यान रखें जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अरुण जी, मैं आपको इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ कि अपने से बाहर हम निकलकर सोचेंगे तो एक प्रकार से अपना भी ध्यान रखना उसमें सम्मिलित हो जाएगा। यूं गीत की पंक्तियाँ याद आती है अनुरोध फिल्म का कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो,
तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। लेकिन जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो कहते हैं आप दूसरों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखें, तो अपना ध्यान रखने के क्रम में शास्त्री जी आप बताएं कि हम संक्षेप में, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कैसे हम अपना ध्यान इन चुनौतीपूर्ण समय में रख सकते हैं? अपना ध्यान रखने जी तो व्यास जी ऐसा है कि सबसे पहले यदि आप आनंदित रहने का प्रयास करें अपने घर में, सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले आपसे वार्तालाप में ये बात हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि अगर आप बैठे हैं और आप फिजिकली घर में बंद हैं तो आपकी ये मानसिकता हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि यार मैं तो घर में बंद हूं और इस समय मैं क्या करूं, तो मन से आपको आपके जीवन के कुछ सकारात्मक पहलू पर विचार करें, आप चिंतन करें कि आप के जीवन में जो कुछ अच्छे अच्छे पल गुजरे हैं उसके बारे में चिंतन करें, और दूसरा आप ये घर में बैठे हुए ध्यान करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ें, कुछ अच्छे अच्छे संतों के वचनामृत का श्रवण करें। अनुज जी फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री जी ने जब पहले भारत में जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था वो सफल बहुत हद तक रहा माना जाएगा, क्योंकि आपने और मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में बड़े बड़े कलाकारों के भी और नेताओं के भी वो घंटियां बजाते हुए और बड़े भावपूर्ण ढंग से लोगों ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं पूरा राष्ट्र एक चुनौती का सामना करने के लिए एक मन होकर उठ खड़ा हुआ प्रधानमंत्री के आह्वान पर। पहले तो बताएं कि वो विचार आपको कैसा लगा था जब आपने सुना था जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है मोदी जी ने? नहीं, बहुत ही अच्छा विचार था और इसका जिस तरह से क्रियान्वयन किया गया उसके लिए भी पूरे राष्ट्र को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक 24 घंटे का जो कर्फ्यू लगाया गया था वो पर्याप्त नहीं है, हमें उससे कहीं आगे जाना है, और ये जो 3 हफ्ते का जो लगाया गया है लॉकडाउन वो मेरे हिसाब से एक सही कदम है। इसमें असुविधाएं तो होंगी लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय से गुजर रहे हैं तो उसके जो समाधान होंगे वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय की बात अनूप जी ने कही त्रिपाठी जी, जो 21 दिनों का निर्णय है ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण निर्णय है, क्योंकि आप देखें तो आप किसी दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो सड़कें आपको वैसे भी खाली दिखाई दे जाती हैं, अमेरिका में किसी क्षेत्र से आप गुजर रहे होते हैं तो आपको लगता है लोग कहाँ हैं जब आप भारत से आए, क्योंकि भारत ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, एक तो जनसंख्या के कारण भी और लोगों को घर से बाहर निकलना किसी दूसरे के घर जाना वो टाइम लेने की स्थिति नहीं होती है, वो तो कभी भी निकल जाते हैं, तो ये कितना आसान कितना मुश्किल और कितना आवश्यक है क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? तो जी ऐसा है कि एक कहावत हमारी हिंदी में है भाषा में कि हम ऐसे कहते हैं कि जान है तो जहान है, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि मनुष्य जब ये समझेगा कि जान है तो जहान है तो अपने इस विषय में मनुष्य चिंतन करेगा, और मैं समझता हूं कि यदि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, वो फिल्म की एक लाइन है गीत की, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, तो अगर मनुष्य ठान लेगा, और मैं समझता हूं भारत की जनता और भारत की सरकार दोनों बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक दिन का जो जनता कर्फ्यू लगाया था उससे वो टेस्टिंग थी भारत की जनता की सपोर्ट, और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, और आगे भी ये 21 दिन बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से भारत की सरकार और भारत का जनसमूह अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। अनुज जी मैं आपके साथ याद करूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये याद दिलाया कि ये पहले सप्ताह तक 1,00,000 लोग हुए 67 डेज मेरे ख्याल से उन्होंने बताया कि जिसमें 1,00,000 लोग इससे संक्रमित हुए थे, पर उसके बाद के 1,00,000 लोग एक वीक के अंदर अंदर हो गए थे, यानी एक स्थिति के बाद में ये विस्फोट की तरह फैलता है,
तो उसकी रोकथाम करने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया और उन्होंने बार बार चेताया कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि जो जनता कर्फ्यू था उसमें भी लोग इसको इतना गंभीरता से ले नहीं रहे थे। और गंभीरता से लेना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दिखने में सब ठीक लग रहा होता है और कई लोगों को बहुत लंबे समय तक पता भी नहीं लगता है कि उनको कोरोना वायरस का उन पर अटैक हो चुका है या वो उससे प्रभावित है। कुछ 10 दिन तक शायद वो सामान्य व्यवहार करते रहते हैं। तो ये गलतफहमी दूर करने में वो बार बार उसको कम्युनिकेट उन्होंने किया कि आप इसको गंभीरता से लें। तो कम्युनिकेशन की तरफ मैं जाता हूँ आपके साथ में, एज कम्युनिकेटर आपने ये दोनों जो स्पीचेस उनकी देखी, क्या आपको लगता है वो जनता के हृदय तक या जहां बात जानी चाहिए उसमें सफल रहे? जी, तो अशोक जी, यहां सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि जब हम असुविधा की बात करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो हम उस असुविधा से नहीं गुजरेंगे तो व्हाट इज एट स्टेक। तो जो स्टेक्स हैं वो बहुत बहुत हाई हैं इस मामले में। हम एक बहुत बड़ी आबादी के पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना की बात कर रहे हैं। एक पूरी सभ्यता के जो हमने पिछले जितने भी वर्षों में प्रगति की है, मैं कोई वर्स्ट केस सिनेरियो दे रहा हूं आपको कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी पूरी वर्षों की प्रगति, हमारी जो सभ्यता है उसके नष्ट होने की संभावना है। तो ऐसे में कोई भी असुविधा जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, पहली बात तो ये। तो यही हमें गंभीरता से लेना है। दूसरा, जो आपने कहा कि पहले 1000 लोगों के संक्रमित होने में जितना समय लगा उससे कहीं आधे से भी या उससे भी बहुत कम समय अगले 1000 लोगों के संक्रमित होने में लगा जी। तो यहाँ जो मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और एक उसमें हम लोग टर्म यूज किया करते हैं कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या 1, 2, 3, 4 नहीं बढ़ रही है बल्कि वो 1, 2, 4, 16, 64 इस गति से बढ़ रही है। तो जो भी कदम हमें उठाने हैं उसमें एक समय का एक बहुत महत्वपूर्ण एक डायमेंशन आ जाता है कि यही बात अगर हमने 10 दिन पहले शुरू की होती या अगर हम जो बात 10 दिन बाद करने वाले हैं वो अगर आज कर लेते हैं तो वो बहुत सरल हो जाती है। तो हम लोग वी आर रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक। तो जितना जल्दी किया जाए और जितने कठोर कदम जितने जल्दी उठाए जाएं उतनी ही कम असुविधा हमें बाद में होगी। तो मैं फिर एक बार आपके साथ याद करूं कि अभी हम जहां पहुंचे हैं अनुभव के स्तर पर विश्व समुदाय की दृष्टि से ऐसा हम में से किसी के जीवन में कभी न आया न कभी हमने इसकी कल्पना की कि आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक जा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो कृतज्ञता का भाव भी आता है कि ये जो विज्ञान ने और जिस तरह की संरचना हमारी है बहुत कम समय में हम दूसरे स्थान पर पहुंच पाते हैं। बहुत सारे जो कुछ अपने मनोरंजन की दृष्टि से अपने विकास की दृष्टि से जो अवसर हैं वो सब इन दिनों स्थगित हो गए हैं। तो जीवन बना रहे इसके लिए जीवन को एक रूप में स्थगित होने की स्थिति में हम आ गए हैं। तो इसके बीच में जब मन भागने लगता है अलग अलग दिशाओं में अनूप जी, तो कई बार बहुत लोगों के मन में चिंता होती है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा। तो इन प्रश्नों को लेते हुए जिनके उत्तर हमारे सामने नहीं होते हैं एकदम उपलब्ध, तो भी हमारा मन उत्साह से आशा से भरा रहे, इसके लिए शास्त्री जी आप कुछ सुझाव दें कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का मतलब आशा और उत्साह है ये कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं। हाँ, जीवन का मतलब आशा और उत्साह है व्यास जी, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा, एक चूंकि मेरे सामने आप भी कवि हैं और अनूप जी भी एक अच्छे कवि हैं,
मुझे एक कवि की दो पंक्तियां स्मरण में हो आ रही हैं और मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके साथ में साझा करूं। तो वो लिखते हैं कि जिंदगी में सबसे प्यारी चीज खुद है जिंदगी, और जिंदगी से कुछ न चाहे तो सफल है जिंदगी। तो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान, जीवन में सबसे ज्यादा कीमती यदि कुछ है तो वो जीवन है। और यह जो घड़ी है, यह जो समय है, ये जीवन को बचाने के लिए, ना सिर्फ अपना, जैसा अभी अनूप जी कह रहे थे कि संपूर्ण मानव जाति खतरे में है, संपूर्ण जीवन खतरे में है, मानव की सभ्यता खतरे में है, तो इस समय जीवन से मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने की दृष्टिकोण से इस समय जो भी सरकारें, जो भी मेडिकल एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसको हमें बहुत प्राणपण से स्वीकार करते हुए, अपने और अपनों का ख्याल रखते हुए घरों में रहना है। इसको कैद नहीं समझना है, इसको आत्म मंथन, आत्म चिंतन करना है। हम ध्यान करें, हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, हम अपने परिवार के सहित आनंद करें। और मैं समझता हूं कि ये हमें आत्मचिंतन के लिए मिला हुआ समय है, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं और इस अपने इस जो कठिन समय है इसको आनंद पूर्वक भी बिताया जा सकता है। तो ये जो आनंद पूर्वक समय बिताने वाली स्थिति बनी रहे, उसके लिए भी आवश्यक है कि आप स्वस्थ रहें, और आप स्वस्थ रहें और आपके द्वारा किसी तक भी ये संक्रमित रोग न पहुंचे, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न देशों की सरकारें, अमेरिका के राष्ट्रपति, न्यूयॉर्क के गवर्नर, न्यूजर्सी के गवर्नर, न्यूयॉर्क के मेयर और पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। मैं फिर एक बार अनूप जी आपकी अनुमति से ये दोहरा लूं कि हाथ धोना जो है वो अगर नहीं होगा तो हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो हाथ अपना ही धो लें, जान से हाथ न धोएं, और किसी को भी जान से हाथ हमारे कारण न धोना पड़े। इसके लिए जो जो एहतियात बरतने की बातें कही गई हैं उसमें कोताही न हो, ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं दो पंक्तियां आपके साथ याद करूं कि देखना ऐसा न हो बस छूट जाए जिंदगी, इस तरह जियो कि हर एक पल तुम्हें अपना लगे। तो अपना लगने का मतलब यह है कि हम अपने हर क्षण का, हम अपनी हर सांस का सम्मान कर रहे हैं। और अनूप जी, मैं आपके साथ में इस अवसर पर सम्मान के साथ याद करना चाहता हूँ हमारे बीच जिनके द्वारा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनको भारत के राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया था, और हमारे न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और अन्य संस्थानों के द्वारा उन्होंने हिंदी शिक्षण की तरफ अपना विशेष योगदान दिया था, वो सुषम बेदी जी पिछले दिनों हमारे बीच से चली गई, वो काफ़ी समय से बीमार भी थी। आईटीवी स्टूडियो में आपके साथ भी हमारे दर्शक उनसे मिलने का अवसर पाते रहे हैं, उनकी स्मृति जब आप तक आ रही है, और आपके निवास पर भी वो हाल ही में एक गोष्ठी में आई थी, क्या कहना चाहेंगे आप सुषम जी की स्मृति के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए? अशोक जी, थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं मैं। सुषम जी से हमारे पारिवारिक संबंध रहे थे, करीब 25 साल से उन्हें मुझे जानने का अवसर मिला, और उनकी जो उदारता थी विचारों में, जो स्नेह था, जिन जिन लोगों से भी वो मिला करती थी, जिन उनके प्रति जो स्नेह रहता था, जो एक उनको उनको सहायता करने का एक भाव रहता था, वो बहुत ही हमेशा के लिए मुझे याद रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अक्सर वो हमारे घर आया करती थी, हम उनके यहाँ जाया करते थे, और बहुत से आत्मीय क्षण जो हैं उनके साथ मैंने बिताए हैं। तो मुझे जब मैं सुषम जी के बारे में सोचता हूं तो उनका साहित्यिक योगदान तो मुझे याद आता ही है, लेकिन उससे अधिक जो उनके साथ आत्मीय क्षण मैंने गुजारे थे, उनकी याद मुझे ज्यादा आती है। और जो प्रवासी जगत है हिंदी का, वो उनके बिना वैसा नहीं रहेगा।
तो अभी जिस तरह के हालात हैं, कुछ इकट्ठे नहीं हो सकते, तो सब अपने मन में जिन जिन के प्रति जो जो भाव है उसको जागृत रखते हैं। पर अभी फिर जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, 21 दिन का समय कम नहीं होता है और शुरुआत आज रात यानी शुरू हो चुका है भारत में ये 21 दिन का लॉकडाउन, और कल से यानी 25 मार्च से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं आप नवरात्रि की शुरुआत और पूरा भारत बंद, क्या प्रार्थना माँ के चरणों में विशेष रूप से इस नवरात्रि के प्रारंभ में आपके मन में, नए संवत्सर के प्रारंभ होने के समय, नया संवत्सर प्रारंभ हो रहा है लेकिन वैसे कहीं एक प्रकार की उदासी और छटपटाहट सी है। व्यास जी, ये चिंताजनक विषय तो है लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें हम सबको भगवती की आराधना करते हुए और अपने अपने घरों में बैठ करके एक जो इस उदासी के माहौल में एक जो आशा की बात मैं कहूँ तो ये है कि मैं अभी अपने घर में बैठा हूँ, अनूप जी न्यूजर्सी बैठे हैं और आप ITV के स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। तो इस नए युग की ये टेक्नोलॉजी का एक विशेष योगदान हम सबके बीच में है। और आप याद करिए, कुछ 20 साल पहले जब मैं भारत से यहाँ आया था तो हम लोग भारत वार्तालाप नहीं कर पाते थे और हम जुड़े नहीं थे, लेकिन आज ये विशेष बात यह है कि हम संपूर्ण विश्व एक साथ जुड़ा है, तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि हम घरों में रहते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े भी रह सकते हैं। हाँ, सिर्फ फिजिकली हम नहीं जा सकते यहाँ से वहां, तो वो हम इसको साधना की तरह से लें। मैं लंबा समय हो जाएगा लेकिन मैं एक छोटी सी दो लाइनों की बात कहूंगा जी। मुझे कवि का नाम भूल गया पर मैं दो लाइनें कहूंगा। फाके वाले दिन को पावन एकादशी समझ कहते हैं, राजभवन की देवढ़ी पर आदाब नहीं कहते हैं। लंबी कविता है पर मैं दो लाइन ही कहूंगा कि हमारे जीवन में ये फाके वाले दिन को हम पावन एकादशी की तरह ग्रहण कर लें, तो इस विषम परिस्थिति को भी हम सुगमता के साथ में ग्रहण करें, हम साधना की तरह से ग्रहण करें और हम अपने जीवन को कुछ और अंतर्मुखी करने की दृष्टिकोण से ग्रहण करें। 9 दिन तो हम वैसे भी नवरात्रि का व्रत उपवास साधना करते हैं, जो नहीं करते उनको इसी तरह से कर लें और बाकी के दिनों को भी हम भगवती की आराधना, भगवान की आराधना, ध्यान, मेडिटेशन, योगा और अपने लोगों के साथ इस तरह से वार्तालाप, कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन के साथ में गुजार सकते हैं। इसको हम उदासी में नहीं, इसको हम आनंद और हर्षोल्लास के साथ में इन 21 दिनों को व्यतीत कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हमारे कुछ दर्शक फेसबुक के द्वारा भी जो जुड़ रहे हैं उनमें एक हमारे गायक प्रशांत सोनी जी भी हैं और पूनम बत्रा जी भी हैं और कृपा रंजन प्रसाद जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हमारे कुछ दर्शक जो फेसबुक के द्वारा देखते हुए यदि अपना कुछ संदेश हम तक पहुंचाना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये जो क्रम है एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे को साहस के साथ जोड़ने का, प्रेरित करने का, वो अलग अलग रूपों में जारी रहना चाहिए और उसमें सोशल मीडिया बहुत मदद करता है और हम क्रिएटिवली सोच सकते हैं अपने तौर पर क्या क्या हम करें। अनूप जी, कई बार ऐसा होता है कि जो संदेश आते हैं उसमें प्रेरणाएं भी होती हैं पर फिर हमें लगता है कि मुझे इतना अधिक ज्ञान चाहिए नहीं, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में जब ये कोरोना वायरस की चुनौती का सामना हम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और अमेरिका में भी र्यूमर्स के प्रति या डिसइंफॉर्मेशन के प्रति सावधान रहने के प्रति चेताया है हम सबको। और मैं एक बात जो कि अगेन सोशल मीडिया क्रिएटिवली कैसे कैसे बातें लाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बैनर दिखाया था जिसमें को रो ना, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ था को का कोई, रो रोड पर, ना ना निकले, तो कोई रोड पर ना निकले, बड़ा अच्छा सा एक था। तो व्हाट्सएप और फेसबुक विशेष करके, इंस्टाग्राम और ट्विटर इत्यादि भी, आप क्या सोचते हैं इनका उपयोग इन दिनों में क्या सर्वोत्तम रहे, इसके बारे में आपके विचार? तो अशोक जी, जैसा त्रिपाठी जी बता रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया और ये सब जो चीजें हैं ये दुधारी तलवार की तरह हैं,
एक तरफ तो क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकते, तो ये हमें एक साधन प्रदान कर रहे हैं, एक टूल प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम वार्तालाप कर सकें, एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। लेकिन दूसरी तरफ जो है, आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैं जिसे कहता हूँ, और वो कुछ इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति में हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि संपर्क इतना सरल हो गया है कि एक बटन दबाते ही आप हजारों सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सी डिस इंफॉर्मेशन भी इस पे फैल रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है उसे फिल्टर करने की जरूरत है, और उसके कई तरीके हैं जो है वो, जैसे कि हम खाना भी उतना ही खाएं जो कि हम पचा सकें तो ठीक रहता है हमारे लिए, उस तरह से बहुत अधिक सूचनाओं के पीछे भागने से हमारा मन जो है वो भी अनेक दिशाओं में भागता है, तो शांत रहने की अवस्था से हम दूर हो जाते हैं। कार्यक्रम के समापन की तरफ हम बढ़ते हुए एक तो ये निवेदन करना चाहेंगे कि शारीरिक रूप से जो तन की शुद्धि के एहतियात रखने हैं, उसके अलावा मन को संयम के साथ में किस तरह संतुलित रखा जाए, ये एक चुनौती और ये सीखने का विशेष रूप से हमारे लिए अवसर है, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिमिट हमें कर देना चाहिए कि बहुत अधिक समाचार ही नहीं देखता रहूँगा या देखती रहूँगी, बहुत अधिक व्हाट्सएप इत्यादि के संदेशों के पीछे नहीं भागता रहूँगा, क्योंकि उससे मन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं विच्छिन्न। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा जी, ये समय है अपने अंदर भीतर झांकने का भी, जो कि हमें अक्सर नहीं मिलता है सामान्य समय में, तो ये हमारा एक इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इस समय का जो मैं किताबें पढ़ना चाहता था, जो पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं मिलता था, उसको मैंने कैचअप किया, जो फिल्में मैंने देखना चाहता था। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो फिल्मों को मैं नहीं, जो मैं देखना चाहता था वो मैंने देखी, तो ये समय है उन्हीं सब बातों को, जो जिन मित्रों से मैंने बरसों तक बात नहीं की थी उन्हें मैंने फोन किया, अपने जितने भी कुछ काम बचे हुए रहते थे जिनके लिए समय नहीं मिलता था उन्हें मैंने कैचअप किया। तो ये हमें समय की जो बजटिंग है। अनूप जी, एक छोटा सा सवाल, कोई एक बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपकी फेवरेट है? कौन सी बुक? मैं अपनी पसंद की किताब अगर बताऊं आपको, तो मैं एक मेरे प्रिय कवि हैं गीत चतुर्वेदी, उनकी मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं, और एक मेरे दोस्त हैं गौतम राजऋषि, जिनकी एक गजलों की नई किताब आई है नीला नीला के नाम से, तो उसको मैं पढ़ रहा हूं। तो बहुत सारा अनुज जी, बहुत सारा धन्यवाद है आपका। 30 सेकंड का समय शास्त्री जी के लिए, कोई एक सुझाव इन दिनों का अच्छा उपयोग करने के लिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें नवरात्रि में, और इन पूरे 21 दिनों तक भगवती से प्रार्थना करें और ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें इत्यादि, यही मेरी तरफ से सुझाव रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है अनुप जी का भी, धन्यवाद शास्त्री जी का भी, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद करते हुए फिर एक बार ये प्रार्थना और कामना कि 21 दिनों के पार जब भारत में आप निकले तो और अधिक अपने आप को अपग्रेड करके आप पाए कि पहले से बेहतर हो गए, और जहां जिसकी सेवा सहायता संबल आप बन सके वहां निश्चित रूप से उदारता से मदद करें। अनूप जी आप जुड़े हमारे साथ, आपके लिए आपका धन्यवाद, और शास्त्री जी आपका भी धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार व्यास जी।